अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मावेश और आप देख रहे हैं मावेश टीचर्स। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको फुल प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि अगर आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक, FA, BA, MA, BEd या MEd और कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हैं और आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो यकीनन आप भी डिग्री मंगवाना चाहते होंगे। तो वो डिग्री किस तरह से मंगवानी है, उसके लिए क्या फुल प्रोसीजर है, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल के साथ। सो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताती चलूं कि जैसे ही आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद अगर आपने कोई भी कोर्स रीअपीयर किए बगैर क्लियर किया है, मींस आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने तमाम कोर्सेज क्लियर किए हैं, तो आपको रिजल्ट के एक महीने के अंदर अंदर आपके एड्रेस के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट या फिर आपका रिजल्ट कार्ड भेज दिया जाएगा। जब रिजल्ट कार्ड आपको रिसीव हो जाए, उसके ऊपर कुछ चीजें आपने बहुत ध्यान के साथ चेक कर लेनी है, जिसमें आपका आपके और आपके फादर के नेम के स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, वही नेम के स्पेलिंग्स होने चाहिए जो आपकी मैट्रिक की डिग्री के ऊपर हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी पिक्चर चेक कर लेनी है और अपने तमाम कोर्सेज चेक कर लेने हैं कि ठीक कोर्सेज मेंशन है और मार्क्स आपके क्या ठीक मेंशन है आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। अगर आपकी इन तमाम चीजों में से किसी चीज में कोई मिस्टेक है तो आपने फौरन यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है, और अगर आपकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर बिल्कुल ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ट्रांसक्रिप्ट रिसीव हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर कोई सा वेब ब्राउजर खोलना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रही हूँ। ये मेरे सामने गूगल क्रोम ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ AIOU डिग्री एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप देख रहे हैं डिफरेंट लिंक्स ओपन हो गए हैं, तो मैं ये फर्स्ट लिंक के ऊपर जा रही हूँ जो है www.aiou.edu.pk डाउनलोड। इसके ऊपर मैं चली जाती हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट चीजें डाउनलोड करने का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। स्क्रीन पे जब मैं पहुंच जाऊंगी तो मैंने जो है थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नजर आएगा डिग्री फॉर्म्स का, यहाँ पे है डिग्री फॉर्म, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने डिग्री फॉर्म को ओपन किया है, तो ये इस फॉर्म में ओपन हो गया मेरे सामने। अब ये सारे का सारा डिग्री फॉर्म जो है, मैंने यहाँ से डाउनलोड का बटन है इस पे मैं क्लिक करूंगी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि किस लोकेशन के ऊपर मैंने इसको डाउनलोड करके सेव करना है, तो मैं यहाँ पे कोई सी इसकी लोकेशन दे देती हूँ, यहाँ पे नाम दे देती हूँ और सेव पे क्लिक कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा चलान फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे इसे किसी स्टेशनरी शॉप से प्रिंट करवाकर फिल करना है। इसको फिल किस तरह से करना है ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ जी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये ऊपर फॉर ऑफिस यूज ओनली के कॉलम्स हैं, इनको आपने नहीं फिल करना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको डिग्री आप किस तरह से मंगवाना चाह रहे हैं, क्या आप अर्जेंट फी के साथ डिग्री मंगवाना चाह रहे हैं या फिर आप नॉर्मल फी के साथ अपनी डिग्री मंगवाना चाह रहे हैं, जो भी आपका केस है आप उसके सामने टिक मार्क कर लेंगे। फिर आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे कि आप क्या मैट्रिक की, FA की, BEd की, किसकी डिग्री मंगवाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर मेंशन कर देंगे जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है वो मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना स्टूडेंट का नाम लिखना है उर्दू में, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे वल्दियत लिखा हुआ है, आपने अपने फादर का नाम, अपने वालिद का नाम उर्दू में यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपने अपना और फादर का नाम इंग्लिश में भी लिखना है। एक ब्लॉक के अंदर आप एक अल्फाबेट लिखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने फादर का नाम। यहाँ पे आपने अपना और फादर के नेम के वही स्पेलिंग्स लिखने हैं जो आपकी मैट्रिक की डिग्री के अंदर हैं। इसके बाद आपका डाक का मुकम्मल पता आ जाता है, यानी कि आपने अपने घर का एड्रेस देना है या किसी उस जगह का एड्रेस देना है जो परमानेंट एड्रेस हो, जहां पर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको आपकी डिग्री सेंड करे। इंग्लिश में आपने अपना एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे कोई ऐसा फोन नंबर आपने लिखना है
जो एक्टिव फोन नंबर हो, जो यूज में हो, जो ऑफ ना हो। फिर आपने यहाँ पे अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वो मेंशन कर देनी है। सर्टिफिकेट डिग्री फीस, यहाँ पे आपने डिग्री की फीस मेंशन करनी है और फीस आपकी डिग्री की कितनी होगी वो अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने दोबारा इम्तिहानी फीस यानी री अपीयर, अगर आप किसी एग्जाम में हुए हैं, आप फेल हो गए थे, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी थी, आप री अपीयर हुए हैं, तो यहाँ पे आपने उसकी फी लिख देनी है। फिर यहाँ पे आपके सामने कुल फीस का ऑप्शन है। अगर आपकी कोई री अपीयर फी है तो आपने अपनी डिग्री फी और री अपीयर फी को एड करके कुल फीस के सामने लिख देना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है बजरिया बैंक चलान नंबर, तो यहाँ पे आपको जो चलान फॉर्म आपने डाउनलोड करना है वो कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है वो अभी आपको मैं बताती हूँ। उसके टॉप के ऊपर, बिल्कुल ऊपर वहां पर चलान फॉर्म नंबर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मोरखा में आपने वो डेट लिख देनी है जिस डेट को आपने अपनी फीस सबमिट करवाई है। ब्रांच का नाम आपने लिख देना है कि आपने बैंक की कौन सी वाली ब्रांच के अंदर अपनी फीस सबमिट करवाई है। ये जो फी से रिलेटेड और फी चलान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये अभी मैं आपको इसके बाद प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप मैट्रिक की डिग्री मंगवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख 45 लिखनी है और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका जो भी आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपने इस ब्लैंक में मेंशन कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने मेंशन करना है पास शुदा कोर्सेज मजामीन की तफसील। ये मैं आपने कैसे फिल करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपको अपनी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट रिसीव हुई है, उसको सामने रखना है। वहां से आपने वन बाय वन यहाँ पर वो तमाम कोर्स कोड लिख लेने हैं जो आपने अपनी डिग्री हासिल करते हुए पढ़े हैं। यहाँ पर आपने वो सेमेस्टर लिखते जाना है कि आपने पहले सेमेस्टर में कौन सा कोर्स पढ़े, कौन से कोर्सेज पढ़े, फिर दूसरे सेमेस्टर में ये वाले कोर्सेज पढ़े, तीसरे सेमेस्टर में ये वाले कोर्सेज पढ़े, यहाँ पे आपने अपना सेमेस्टर लिख लेना है। फिर आपने हर कोर्स में कितने मार्क्स हासिल किए हैं वो आपने उस कोर्स कोड के सामने इस तीसरे कॉलम में लिखते जाना है। जितने भी आपके कोर्स कोड हैं जो आपने डिग्री के दौरान पढ़े वो आपने यहाँ पर फिल कर लेने हैं और बाकी स्पेस को ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप कोई MBA, MPA, MPhil या PhD की डिग्री हासिल कर रहे हैं और आपका कोई वाइवा हुआ है तो आपने उसकी डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी है। बाकी अगर आप किसी कोर्स की डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं तो आपने इस जगह को ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर दस्तखत तालिबिल में आपने अपने सिग्नेचर्स कर देने हैं। पता बराए तरसील, तरसील मतलब जिस एड्रेस के ऊपर आप अपनी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने दोबारा वो ध्यान से लिखना है। सबसे पहले सर्टिफिकेट या डिग्री आप लिखेंगे इन दोनों जगहों पे, मैट्रिक, FA, BA, MEd, BEd, जो भी आप डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर अपना नाम यहाँ पर भी लिख देंगे और इसके सामने यहाँ पर भी लिख देंगे। वल्दियत में अपने वालिद फादर का नाम आप लिख देंगे दोनों जगहों पर। फिर डाक का मुकम्मल पता, आपने अपना कोई परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भी लिख देना है और सामने वाले ब्लॉक में यहाँ पर भी लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके जो भी यहाँ पे आपने एड्रेस लिखा है वो कौन सी तहसील और जिले में मौजूद है वो जगह, आपने ये चीजें यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर अपना मोबाइल फोन नंबर लिखना है, वो वाला मोबाइल फोन नंबर जो यूज किया जाता हो, जो नंबर ऑफ ना हो। जी तो फ्रेंड्स, अब आपने अपनी डिग्री के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको फी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको डिग्री वाइज बताऊंगी कि आपकी कितनी फी बनेगी। अगर आप इब्तदाई अरबी ओपन टेक नॉन क्रेडिट कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी नॉर्मल फी है 400 और अर्जेंट फी है 800। इसी तरह बाकी तमाम कोर्सेज की फी भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपनी डिग्री के हिसाब से अपनी फीस सबमिट करवा सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये बाकी कोर्सेज की फी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो फ्रेंड्स, आपको आपकी जो भी फी है वो पता चल चुकी है। अब आपने चलान फॉर्म किस तरह से हासिल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मैं दोबारा कोई वेब ब्राउजर ओपन कर रही हूँ, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ AIOU डिग्री चलान फॉर्म। मेरे सामने लिंक्स ओपन हो गए हैं तो मैं इस लिंक पर चली जाऊंगी, AIOU.edu.pk एडमिशंस चलान फॉर्म। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे सामने ओपन हो चुका है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए चलान फॉर्म डाउनलोड करने का पेज।
यहाँ पर मैं अपना फुल नेम एंटर करूंगी, यहाँ पर अपने फादर नेम एंटर करूंगी, यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करूंगी और यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर यानी CNIC नंबर एंटर करूंगी और सबमिट के बटन पर प्रेस कर दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स मेरे सामने मेरा चालान फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी जहाँ पे प्रिंट चालान फॉर्म का ऑप्शन है, तो इसको प्रेस कर देंगे आप। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहाँ पे डेस्टिनेशन में सेव एज PDF लिखा होगा, आपने सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लोकेशन के ऊपर इसको सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ से आप लोकेशन सिलेक्ट करके सेव के बटन पे क्लिक कर। अब फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने इस तरह से एक चालान फॉर्म आपके पास आ चुका है जिसको आपने किसी भी स्टेशनरी शॉप से प्रिंट आउट करवा लेना है और बाकी चीजें आपके चालान फॉर्म के ऊपर फिल हुई हुई हैं। यहाँ पर आपने डेट फिल करनी है कि जिस डेट को आप बैंक में फीस सबमिट करवा रहे हैं। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और अपना जो भी प्रोग्राम है जिसके लिए आप डिग्री मंगवा रहे हैं उसको यहाँ पर तीनों कॉपीज पर आप मेंशन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि जिनको आपने फिल करना है, आप कौन सी क्लास की या कौन से कोर्स के लिए डिग्री मंगवाना चाह रहे हैं, क्या आप BEd के लिए डिग्री मंगवाना चाह रहे हैं या आप MPhil की डिग्री मंगवाना चाह रहे हैं, आपने उसको टिक कर देना है। और अगर आपने नॉर्मल फी सबमिट करवाई है या अर्जेंट फी सबमिट करवाई है यहाँ पर सामने आपने वो फी लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे टोटल अमाउंट रुपीस के सामने भी आपने वही वाली फी लिखनी है, अर्जेंट या नॉर्मल जितनी भी आपकी फी थी। अगर आपकी कोई रीअपियर फी है तो वो यहाँ पर इस कॉलम के अंदर कॉलम 21 के अंदर आपने फिल कर देनी है और उन दोनों का जो भी टोटल बन रहा है वो यहाँ पर टोटल अमाउंट के सामने लिख देंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। नीचे रुपीस के सामने आप वही अमाउंट जो है वो इंग्लिश में लिख देंगे, वर्ड्स में लिख देंगे। सपोज यहाँ पर आप 1200 लिखेंगे 1200 और यहाँ पर आप रुपीस में लिख देंगे 1200 ओनली, इंग्लिश में आप वर्ड्स में लिख देंगे इस चीज को। फ्रेंड्स जब आप चालान फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो इसकी 3 कॉपीज होंगी, एक स्टूडेंट कॉपी, बैंक कॉपी और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कॉपी। तो आपने तीनों कॉपीज को फिल करके अपनी फी लेकर बैंक में सबमिट करवा देनी है और इस चीज के लिए फी जो आपने सबमिट करवानी है वो या तो आप MCB बैंक के अंदर सबमिट करवाएंगे या फिर अलाइड बैंक की किसी ब्रांच के अंदर सबमिट करवा लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने किसी कोर्स में रीअपियर हुए हैं, आप किसी कोर्स में यानी आपकी अटेंडेंस नहीं लगी या आपने एग्जाम पास नहीं किया था, तो आप किसी कोर्स में रीअपियर हुए हैं तो उसके लिए पर कोर्स कोड की फी क्या है कि अगर आप एक कोर्स में फेल हुए हैं तो आपने एक कोर्स के लिए ये फी देनी होगी एक्स्ट्रा रीअपियर फी, और आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लें कि आपने कितने कोर्सेज रीअपियर में अटेम्प्ट किए हैं, आप उतनी रीअपियर फी अपनी दे देंगे। मैट्रिक या PTC के लिए रीअपियर फी है 100 रुपीज पर कोर्स कोड, एलिमेंट्री अरेबिक के लिए भी 100 रुपीज, ATTC के लिए 180 रुपीज, CT या डिप्लोमा के लिए 200 रुपीज, FA के लिए 200 रुपीज, BA या ADE के लिए 300 रुपीज, BEd के लिए 400 रुपीज, BScS, BEtele या फिर BIT, BTech के लिए 400 रुपीज, MA लेवल MPhil के लिए 500 रुपीज और PhD के लिए 800 रुपीज पर कोर्स कोड आपको रीअपियर फी देनी होगी। जी तो फ्रेंड्स अब आपको मैंने एप्लीकेशन फॉर्म और आपके चालान फॉर्म और फी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं वो हैं आपकी जो भी अगर मैट्रिक की आपकी कोई डिग्री है वो आपने ले लेनी है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ले लेना है, SSC सर्टिफिकेट ले लेना है, इसके अलावा आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ले लेना है, यानी कि आपकी जो भी डिग्री है उससे पहले जितनी भी आपने डिग्रीज किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास की हैं उन तमाम की आपने कॉपीज ले लेनी है। जैसे कि मैं आपको BEd के लिए बताने वाली हूं तो मैंने SSC हायर सेकेंडरी स्कूल यानी HSSC की डिग्री ले ली है, फिर आपने BA BSc की डिग्री ले लेनी है, इसी तरह आपने अपनी MA या MSc की डिग्री ले लेनी है। इसके बाद मैं आपको BEd की डिग्री का तरीका बता रही हूँ। इसमें आपने BEd के रिजल्ट में जो भी आपको ट्रांसक्रिप्ट रिसीव हुई है अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से आपने उसकी भी कॉपी ले लेनी है।
इसके बाद फ्रेंड्स आपने अपना चालान फॉर्म जो सबमिट करवाया था वो आपने ले लेना है। उसकी तीन कॉपीज थी, स्टूडेंट कॉपी, बैंक कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी। बैंक कॉपी बैंक अपने पास रख लेगा, स्टूडेंट कॉपी आपने अपने पास रखनी है। आपने जो साथ अटैच करके भेजनी है वो है AIOU कॉपी, ये भी आपने साथ अटैच करनी है। ये फिल कैसे करना है ये भी आप देख लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीएड को टिक किया हुआ है, बीएड की फी है। फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट में अमाउंट लिख दी गई है और यहाँ पर इन वर्ड्स अमाउंट लिख दी गई है। इसके बाद जो आखिरी डॉक्यूमेंट वो आपको चाहिए होगा वो है आपका आईडी कार्ड। जी फ्रेंड्स, आईडी कार्ड। अब फ्रेंड्स आपने अपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करवा लेनी है, अपनी तमाम पहले वाली डिग्रीज की फोटो कॉपी। इसके अलावा आपने अपने आईडी कार्ड की फोटो कॉपी करवा लेनी है और इन तमाम चीजों को अटेस्ट करवा लेना है। इन तमाम की अटेस्टेड कॉपीज हमने यूनिवर्सिटी सेंड करनी होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपने अपनी ये तमाम चीजें एक एनवेलप के अंदर डालनी है, जिसमें सबसे पहली चीज आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपकी पहले की तमाम डिग्रीज की अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर आपके आईडी कार्ड की अटेस्टेड फोटोकॉपी होगी और चौथे नंबर पर आपकी चालान यूनिवर्सिटी कॉपी, आपके चालान की यूनिवर्सिटी कॉपी। ये चारों चीजें आपने अच्छे से स्टेपल करनी है और एक एनवेलप के अंदर डालकर यूनिवर्सिटी में सेंड कर देनी है। किस एड्रेस पर सेंड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने एड्रेस एनवेलप के ऊपर लिखना है बनाम कंट्रोलर इम्तिहानात, शोभा इम्तिहानात, सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन, ब्लॉक नंबर 3, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद, और आपने इसको पोस्ट कर देना है यूनिवर्सिटी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको तमाम का तमाम प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि आपने अपनी डिग्री किस तरह से यूनिवर्सिटी से मंगवानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक के बटन पर प्रेस करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।